सॉसेज। इसके लिए हमें चाहिए बारीक कटा हुआ कैबेज, बारीक कटा हुआ अनियन, उबाल के पीसा हुआ 2-3 पीस पोटैटो, और हमें चाहिए लहसुन और मिर्ची की पेस्ट जिसके अंदर थोड़ी सी अदरक होनी चाहिए, और उसके बाद हमें चाहिए टमाटर, और उसके बाद हमें चाहिए इमली, और इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगा ऑयल, साना हुआ मैदा जिसके अंदर हम नमक, हल्दी और अजवाइन डालेंगे, और उसके बाद हमें चाहिए होगा लाइटर, और हमें चाहिए होगा कढ़ाई, और हम लाइटर जला के कढ़ाई को गर्म करेंगे। अब हम कढ़ाई गर्म करेंगे, कढ़ाई गर्म करके उसके अंदर हम 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, और उसके बाद उसमें डालेंगे थोड़ी सी राई, और थोड़ा जीरा डालेंगे, जिसे हम थोड़ा सा भूनने देंगे, जो हमने पेस्ट बनाया हुआ है मिर्ची और लहसुन का उसे हम डाल देंगे, इसे हम थोड़ा सा पकने देंगे, और उसके बाद हम उसमें डालेंगे अनियन बारीक कटा हुआ, कैबेज डालेंगे। अब हम इसे धीमी आंच में थोड़ी देर पकने देंगे। ये जो भी स्टफिंग है थोड़ी थोड़ी पकने लगी है, अब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी, 1 स्पून पिसी हुई मिर्ची, पिसा हुआ धनिया 2 स्पून, अच्छे से चलाइए। वीडियो बनाते वक्त आपको खांसी भी आ सकती है, तो आप साथ में पानी भी रख सकते हैं। मसाला बिल्कुल ही रेडी हो चुका है स्टफिंग के लिए। अब हम मैदा लेंगे सना हुआ, उसे किनारे पे थोड़ा सा पानी लगाएंगे, इसे फोल्ड करेंगे समोसे के शेप में, फिर उसके बाद जो हमने स्टफिंग फिल करेंगे, फिर से इसे किनारे पर ऐसे पानी में और इसे फोल्ड करके पैक कर देंगे, इससे मसाला समोसा रेडी हो जाएगा, उसका बन जाएगा। समोसा स्टफ करके रेडी कर लिए हैं, कढ़ाई में ऑयल डाल के गर्म कर लीजिए, उसके बाद समोसा उसमें डाल दिए, जिन्हें आप अच्छे से डीप फ्राई करने दीजिए। देख सकते हैं समोसे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। समोसे बन चुके हैं, अब हम इन्हें काटेंगे। खाने के लिए बिल्कुल ही रेडी हैं, जिन्हें
आप खा सकते हैं छोले के साथ, और उसके साथ चटनी डाल के आप इसे बहुत ज़्यादा टेस्टी बना सकते हैं। समोसा रखिए, उसके ऊपर थोड़ा सा छोला डालिए और उसमें डालिए मीठी चटनी। आप शायद इसे धनिया और सेव से भी सर्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द वीडियो।